प्रकृति के रौद्र रूप से कोई नहीं बचा सकता। तो गाइस यहां पे हमने अपना दर्शन पूरा कर लिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो पहले हमने आपको बता दिया है कि हम ऋषिकेश से निकल चुके थे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग व्यू का मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें बादल उड़ते हुए नीचे से दिखाई देते हैं। और अभी हम जहां जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा तय करने वाले हैं, और केदारनाथ से पहले ही 90 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर पड़ता है जो कि माँ धारी देवी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है, और अगर आप धारी देवी मंदिर आना चाहते हैं तो हरिद्वार से इसकी दूरी 140 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से इसकी दूरी 120 किलोमीटर है, और श्रीनगर उत्तराखंड का श्रीनगर है उससे इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्रीनगर वो स्थान है जहां पर एक डैम बनाया गया है, और डैम बना करके पानी को रोका गया है ताकि बिजली संचालन, जो बिजली बनती है, ये सारा काम पूरा किया जा सके। और एक बात ये है कि जो धारी देवी मंदिर है उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं केदार घाटी में जो आपदा आई थी 2013 में उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, उससे बहुत ज़्यादा समानता रखती है। तो अभी हम वहाँ चलेंगे और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि आखिर क्या समानताएं हैं केदार घाटी में होने वाली आपदाओं से। अगर आप आना चाहते हैं, अगर केदार घाटी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के, तो आप ज़रूर माँ धारी देवी के दर्शन करिए, आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। और ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर है वो बीचों बीच नदी के अंदर है जो कि अलकनंदा नदी है। यहाँ पे अलकनंदा नदी आती है क्योंकि इसके पहले ही संगम होता है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में संगम होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का, और अलकनंदा नदी बड़ी होने की वजह से इसका नामकरण वहाँ से अलकनंदा हो जाता है। तो ये रास्ता है, व्यू बहुत ही खूबसूरत है, सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और कुछ ही समय में हम पहुँच जाएँगे माँ धारी देवी मंदिर और वहाँ का आपको दर्शन करवाएंगे। तो चैनल में बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है हरिद्वार से, और हरिद्वार के बाद हम यहाँ रुकेंगे धारी देवी मंदिर, उसके बाद सोनप्रयाग, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, बहुत सारा ब्लॉग आने वाला है। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये जो स्थान है जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं, यही वो प्लेस है जहाँ पर हमें गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, और यहाँ से पैदल नीचे की ओर जाना पड़ेगा जहाँ पर माँ धारी देवी मंदिर है। तो ये जो साइड में गेट दिखा है इसी गेट से हमें जाना है। फिलहाल यहीं पे हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा देंगे, और ये देखो पार्किंग में लगवाने के लिए कुछ लोग खड़े भी रहते हैं। तो यहाँ हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद चलेंगे नीचे और दर्शन करवाएंगे आपको। तो गाइस ये वो जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है माँ धारी देवी मंदिर जो कि नदी के बीचों बीच में बना है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और ये ऊपर पहाड़ियों के नीचे बसा है। व्यू काफी ज्यादा खूबसूरत है। दिखा रहे हैं वो मंदिर दिख रहा है जो कि नदी के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और देखिए हमारे साथ सब लोग तैयार हो चुके हैं, और अभी तीन लोग ऊपर से आ रहे हैं। तो एक शॉर्टकट रास्ता इधर से हम लोग जा रहे हैं, और अभी सुबह का मौसम है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और एकदम से अनलिमिटेड वाला जो मज़ा है ना वो आ रहा है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। तो भाई रास्ता ऐसा है धारी देवी मंदिर जाने का, और इधर हम लोग जा रहे हैं, अभी नीचे पहुंचेंगे। माँ धारी देवी की जो कहानी है शायद आपको पता होगी, फिलहाल अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। माँ धारी देवी की जो मूर्ति है, लोग ऐसा बताते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो जो उस चीज़ को महसूस कर चुके हैं, अगर आपको भी महसूस करना है तो आप एक दिन यहाँ पर गुजारिए, आपको भी वो चीज़ें महसूस होंगी जो यहाँ के स्थानीय लोग महसूस करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि जो माता जी की मूर्ति है वो सुबह, उनका जो फेस है, जो चेहरा है, वो बच्चे के जैसा रहता है, और दोपहर को वो एक युवा के रूप में रहती हैं,
और शाम को एक बूढ़ी औरत की तरह उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ मान्यताएं हैं जो यहाँ के लोग बताते हैं, और जिनको इस चीज़ पर शक है वो यहाँ पर रुक करके इस चीज़ का अनुभव ले सकते हैं। और जो यहाँ का नज़ारा है ना वो बहुत खूबसूरत है और मन को शांति देने वाला है। आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ कि हम किसी अध्यात्म वाली जगह पे आ गए हैं, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। और जो यहाँ का व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर जो है वो एकदम से जल के बीच में है और बाहर से रास्ता जोड़ा गया है जो वहाँ पे जाता है। तो जो श्रीनगर में एक डैम बना दिया गया है, उस डैम की वजह से यहाँ पे हमेशा आपको जल देखने को मिलेगा। और रास्ता ऐसे ही स्टीप है नीचे जाने के लिए है, और अभी तो बहुत ज़्यादा ढलान है तो हम आसानी से जा रहे हैं, और वापसी में हमें आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो जो हमारे साथ आए हैं ग्रुप के लोग वो भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। अभी सुबह मॉर्निंग का समय है, करीब 8 बजे हैं, और 8 बजे एकदम मंदिर खाली है क्योंकि अभी खाली समय चल रहा है। जब नवरात्रि होती है तो यहाँ पर बहुत ही भव्य भीड़ होती है और पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, क्योंकि माँ धारी देवी की मान्यता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे कदमों से हम मंदिर की ओर बढ़ते हुए और जल्दी ही पहुँचेंगे वहाँ पर। अभी सुबह का समय है और दुकानें धीरे धीरे यहाँ पर सज रही हैं, और आप देखिए कि जो किनारे किनारे दुकानें हैं वो लग रही हैं। तो आपको अगर प्रसाद लेना है माता को चढ़ाने के लिए, चुनरी लेना है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और नीचे अभी बहुत ज़्यादा ढलान है, हम लोग नीचे धीरे धीरे जाते हुए बहुत ही जल्द पहुँचेंगे। और ये वो स्थान है जहाँ पे हमें जूता चप्पल अपना यहाँ पे उतार कर रखना होता है, और यहाँ पे आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षित रहेगा। और यहाँ से फिर नीचे हमें जाना है मंदिर के लिए, और यहाँ जस्ट बगल में दुकान भी बहुत अच्छी से सजाई गई है। और जस्ट हम मंदिर के गेट के सामने पहुँच गए हैं, और ये वो है मेन गेट जो मंदिर को जोड़ता है। नीचे नदी बह रही है अलकनंदा, और यहाँ से हम सीधा अब जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। तो जय माँ धारी देवी की, माता अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखें। और हम पहुँच रहे हैं बहुत जल्द माता के दर्शन के लिए, और दर्शन करके हम आपको वहाँ का अनुभव बताएंगे कितना खूबसूरत, कितना मनमोहक दृश्य होगा अंदर का। जो उत्तराखंड की वाइब है ना वो बहुत ही अच्छी है, जो नेचर है वो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। और हम बहुत जल्द मंदिर में पहुँच जाएंगे, और यहाँ का व्यू देखिए मंदिर का जो रास्ते में आपको दिखाई देगा, बहुत खूबसूरत है। जलमग्न हो गई वो शिला, अब झील बनी हुई है, वो पहले दिखा करते थे आपको। द्वापर से कहते हैं पांडव लोग इसी रास्ते से गए थे, और ये चारों धामों की रक्षा करने वाली जो इनको कहा गया है, इनकी विशेषता ये है कि सुबह बालिका अवस्था इनकी होती है, दिन में युवा अवस्था होती है, शाम को वृद्धावस्था होती है। ये माँ सबकी रक्षा करने वाली है और धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमने अपना दर्शन पूरा कर लिया है, और कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप जाते हैं तो रास्ते में रुक करके आप यहाँ पे दर्शन जरूर कर लें। बहुत ही भव्य मंदिर है माँ धारी देवी का। चलिए कुछ व्यूज हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर। और यहाँ की एक और कहानी है कि जब 16 जून को एक आपदा आई थी 2013 में, तो उस समय माँ धारी देवी का जो मंदिर है उसकी मूर्ति कुछ लोगों ने यहाँ से विस्थापित करने का प्रयास किया था, और जैसे ही उन्होंने मूर्ति को हाथ लगाया था तो एक हलचल हुई और केदार घाटी में वो आपदा आई, जो महज 5 मिनट में पूरा मंजर बदल कर रख दिया और पूरी केदार घाटी तहस नहस हो गई। ऐसा माना जाता है कि जो धारी देवी माता हैं वो चारों धामों की रक्षा करने वाली हैं। जब आपदा रूपी जलजला आया उसके बाद माता की जो मूर्ति है
उसे पुनः उसी जगह स्थापित कर दिया गया जहाँ से लोगों ने उसे विस्थापित किया था। तो मेरा यही मानना है कि अगर ऐसे देवी देवताओं को उनके स्थान से हटाया जाएगा तो ऐसी आपदा आने में देर नहीं लगेगी, और कुछ भी व्यवस्था कर ली जाए लेकिन प्रकृति के रौद्र रूप से कोई किसी को बचा नहीं सकता है। जय माँ धारी देवी। तो ये है वो शानदार पुल, और ये पुल से दिखता है माँ धारी देवी मंदिर, जस्ट हमारे बगल में ही है, ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो पुल से कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई देता है, और सुबह सुबह का समय है और थोड़ी थोड़ी ठंड है यहाँ पर। गाइस जाना बहुत आसान लग रहा था लेकिन चढ़ाई बहुत मुश्किल है। ये देखिए तो नीचे है, वहाँ से आ रहे हैं और इतने में सांस फूल गई। अलग लेवल का शौक। ये नज़ारा बहुत जबरदस्त। सो गाइस हमने माँ धारी देवी का दर्शन प्राप्त कर लिया है और अब निकलेंगे अपने अगले पड़ाव के लिए, और माता से यही प्रार्थना करेंगे कि माता हमारी यात्रा को सफल बनाएं, क्योंकि बहुत ही लंबी राइड होने वाली है हमारी, जो करीब 2100-2200 किलोमीटर के आसपास होगी। और माता का दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं आगे के लिए, और अब हम रुकेंगे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग वो जगह है जहाँ से बाबा केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो चैनल में बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये जो ब्लॉग होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, और जो आगे के रास्ते होंगे ना वो रास्ते बहुत ही अनलिमिटेड वाले होंगे, और आप देख ही रहे होंगे कि रास्ते कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ब्लॉग देखने में। तो चैनल को लाइक कर दें, ज़रूर कर दें, और ऐसे ही साथ देते रहें, कमेंट में लिखते रहें जय माँ धारी देवी, जय बाबा केदारनाथ की, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।